नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं स्वर में टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। राइट नाउ यू आर वॉचिंग ट्रेंडिंग दिस मॉर्निंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन का फ्रांस दौरा खत्म कर यूएई के लिए निकल गए हैं और इसके पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनके लिए लूव म्यूजियम में डिनर होस्ट किया। इस दौरान टेस्ट रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर दोनों देशों की भलाई के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शांति में भी अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया, यह मेरे और सभी भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। भारत और फ्रांस के बीच 3 स्कॉर्पलिन क्लास सबमरीन और लड़ाकू विमान के इंजन मिलकर बनाने की डील हुई। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को तोहफे में चंदन की लकड़ी से बना सितार गिफ्ट किया है और पीएम ने राष्ट्रपति मैक्रों की वाइफ ब्रिजेट मैक्रों को सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली इकत उपहार में दिया है। ये तेलंगाना की पारंपरिक साड़ी होती है जिस पर डाई करके पगाड़ू बंधु शैली से ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना होता है। इसके अलावा पीएम ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉन को मार्बल इनले वर्क टेबल और फ्रेंच नेशनल असेंबली की अध्यक्ष येलबॉन पिकेट को हाथ से बुना हुआ सिल्क कश्मीरी कालीन उपहार में दिया। वहीं भारत वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला टेस्ट तीसरे दिन ही खत्म हो गया जिसमें यशस्वी जायसवाल 171 रन बनाकर आउट हुए और डेब्यू पर भारत के लिए यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। इसी के साथ रविचंद्रन अश्विनी ने दूसरी पारी में 7 विकेट लिए और पहली पारी में भी 5 विकेट लिए थे। मैच में कुल 9 रिकॉर्ड बने। टीम इंडिया ने विदेश में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अश्विनी ने 3 रिकॉर्ड तोड़े हैं और 2 की बराबरी की। वहीं यशस्वी और विराट कोहली ने भी 1-1 रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि टीम इंडिया ने एशिया के बाहर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वर में टाइम्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।